प्यारे साथियों सत श्री अकाल जी। हुण असीं पंजाब सरकार दे मुलाजमां ते रिटायरमेंट होए मुलाजमां दे बारे ताज़ा जानकारी प्राप्त हुई है दसांगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान अते वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा तो तंग आके पंजाब दे मुलाजमां अते पेंशनरां अते यूटी दे मुलाजमां दे वल्लों पंजाब सरकार दे विरुद्ध संघर्ष दा बिगल वजा दिता है, क्योंकि पंजाब अते हरियाणा हाईकोर्ट के वलों 15/1/2015 का नोटिफिकेशन दो बारी रद्द किया गया है। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को कह दिया कि मुलाजमान नूं प्रवेशन पीरियड वाले समय का एरियर 3 महीने के विच दिता जाए और मुलाजमान की तनखा फिक्स करके उन्हें भत्ते भी दिते जान। सांझे फ्रंट के आगू श्री शाना ने कहा कि वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के नाल चंडीगढ़ के मुलाजमान के आगुआ दी कई मीटिंगा हुई, पर मीटिंगा के पे कमीशन का एरियर, महंगाई भत्ते दी किश्तों का बकाया, रिटायरमेंट हुए मुलाजमान फैक्टर 2.59 दिता जाए जो कि सरकार मान चुकी है पर लागू नहीं कर रही। इस करके पंजाब दे वख-वख विभागां दे मुलाजमां दे वल्लों 20 अगस्त नूं देश भगत यादगार हाल जलंधर दे विखे कन्वेंशन करके पंजाब सरकार दे विरुद्ध वड्डे संघर्ष दा बिगल वजा दित्ता जाएगा। पावरकॉम दी मैनेजमेंट दी अते बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ दे नाल पीएसईबी जॉइंट फॉर्म दे आगुआं दीआं कई मीटिंगां चंडीगढ़ विच होईआं, पर पावरकॉम दी मैनेजमेंट ने बिजली मंत्री मीटिंग दे विच मन्नीआं मंगां लागू नहीं कर रिहा। इस करके पावरकॉम के मुलाजमान ते ट्रांसको के मुलाजमान के वलों 16/8/2023 तो लैके 19/8/2023 तक डीडीओ नूं मंग पत्र दिते जाणगे ते पावरकॉम की मैनेजमेंट के विरुद्ध रोस प्रदर्शन किया जाएगा। पंजाब सरकार दे वल्लों चंडीगढ़ अते मोहाली दे विच 16/8/2023 नूं छुट्टी का ऐलान कर दिता है। पंजाब के सारे स्कूल बंद रहेंगे। धन्यवाद जी, सानू सपोर्ट करने के लिए साडे चैनल नू सबसक्राइब करो ताजो हरेक वीडियो का नोटिफिकेशन तुहाडे तक पहुँचता रहे।